अनेक आगु संध्या कड़ी राति छुईवाक बसिथिला। राजधानी भुवनेश्वर रास्ता किंतु सेमिति गहलीरे भरी रहिथिला। एतिकि बेले आमर नजर पड़िला जणे झाल मुढ़ी बिक्री करुथिबा वयस्क व्यक्ति गोटे ट्रली रिक्सा उपरे अनेक प्रकार शुखिला खाद्य पदार्थ को डबारे थोई डबा गुड़ी को लाइन कर सजाई रखि थांती। आउ गोटे पाखरे सीझा बुट मटर भिजा गजा मुग रही थाए। आमे गोटे पैकेट झाल मुढ़ी तैयारी करने कहलु। से प्रथमे मुढ़ी तापर गोटे पर गोटे डबा खोली बादाम मिक्सचर बुट सीझा मुग आदि केते केते चटापट जिनस पकाई मगरे सब मिक्स कले। आ गोटे कागज ठुंगा करी सेथिरे थोई आम हाथ को बढ़ाई देले। आम भली एमिति जेते सब ग्राहक जाऊ थांती समस्तंकु सेमानकु बराद अनुसार विभिन्न प्रकार झालमुढ़ी तैयारी करि देउ थांती। आम कथा प्रसंग रे एके तांको विषय रे बुझिबा को चेष्टा करिथिलु। से प्रथमे किछि कहिबा पई टिके अमंग होई कथा अड़ाइले। हेले आमे टिके तांको सह अंतरंग हेलु। एहा परे तांकर अतीत ओ झालमुढ़ी बिकिबा पछर कहानी जानिलु। निजर से कर्म भितरे से कहि चलिथिले। दर्शक बंधु ये जने पाला गायक जो पाला गायक मुहरे पाउडर बोली शह शह लोकंर मनोरंजन करती पाला परेषण करी पाला गायक आज रास्ता कड़े बस झालमुढ़ी बिक्री करे कहीं से झालमुढ़ी बिक्री करते कथा आम जाना प्रथम तरह पाला परेषण आम टे देखा तापर आम तर झालमुढ़ी बिक्री करने पक्षर रहस्य जाना आसन जावा आज्ञा झालमुढ़ी बिकली 2015 ठार प्रथम बालेश्वर से बिकुली तापर जाजपुर आसिक भुवनेश्वर से बेपार आरंभ कर भुवनेश्वर आज्ञा 2 वर्ष हो गला कोरोना ठार जब पाला बंद हो गला तेब आसिक भुवनेश्वर से झालमुढ़ी बिकुची कौन करवा आज्ञा पर 5 जन जीविका निर्वाह करने बाध्य ओल्लि आज्ञा लोक कला को आदरी पेशा करी कोरोना पड़जा ठार होली पेंडल पाला गाँवी 2019 पीसीआर पहुँची गले पालाटी चली थाए अल्प समय बाकी थाए घंटाए खंडे कहले सारे आमर गोटे छोटिया कथा आप रखे कौन कहतु सार ना आज्ञा पाला परेषण बंद करूँ कहीं सरकार नियम रही करोन लोक पशापाशी बसवे माइक बाजिब ना तेणु आपमती जब पाला परेषण करेंगे ना बंद करदे जोबले पाला बंद हो गला आज्ञा पालू जहाँ आमती पर 5 जन जीविका निर्वाह करी पाला बंद है बाध्य रास्ता कड़ को आसली झालमुढ़ी बिकापी आ कौन करी पाठ कही नि कर्तव्य व्यक्ति कि कर्तव्य विमूढ़ एकुटिया कौन करी पाने छोट छोट जहाँ पालू पैसा इनकम होता संसार मोर छोटिया संसार हस खुशी चली जाऊला जोबले पाला मोर पेशाटा बंद हो गला तेणु तो ये पेटटा को जीविका निर्वाह करने किसी ना कि गोटे करने पड़ो तेणु बाध्य ठेला टीए कर झालमुढ़ी व्यवसाय आरंभ कर आज्ञा कथार कही चोर माँ लाजे न कांदे घर भितर आखि मलि मलिक कांदे तेणु लाज लगे क्या कह अपमान शुणिले क्या कह तेणु क्या कुछ न कही मुझे आपण को टी आगर कहली निकर्तव्य व्यक्ति कि कर्तव्य विमूढ़ निरुपाय हेलापर मु कौन करी पारे घर तांकर भद्रक जिले किंतु वर्तमान भुवनेश्वर रही झालमुढ़ी व्यवसाय करुछंती। प्रकृत से जने पाला गायक एक शुणा पर आमर आश्चर्य सीमा रहिला नहीं लोकों करताली रे बाहाबा पाउथिबा ए कलाकार जनक बेस ज्ञानी और गुणी तथापि कौन एमती परिस्थिति आसला जे से पाला गायक भली लोककला को छाड़ी आज झालमुढ़ी बिकुछंती। नाटी तांकर गौरांग दास बापा कृष्णचंद्र दास गाँ हेउछि भद्रक जिला 60 बाटी अनेक दिन से गुरु ठारु पाला शिक्षा आरंभ करथिले आउ निजे स्वतंत्र पाला गायक भाबे बेस सुनाम मध्य अर्जन करथिले। लेखिला गोविश पुत्र नोग जात हरि कुमार तात शशि खंड मौली लंकेश सपूजित पद पद्म पय धनादि परमेश्वर सुबुचे चहल रे हे हे जनपद गणित क्रे दर्शन मानसे दर्शन मानसे नाना देशु कते नाना देशु कते क्रे
ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଲୋକକଳା ପାଲାକୁ ପାଥେୟ କରି ମଞ୍ଚରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ତାକୁ ପେଶା ବନାଇଥିଲେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ସାର ବୋଲି ଭଲ ସମ୍ମାନ ବି ମିଳୁଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରି ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ପୋଷଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ସମୟକ୍ରମେ ପାଲାର ଚାହିଦା କମିଲା ଆଉ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ପରିବାର ପେଟରେ ଲାତ ବାଜିଲା। କାଁ ଭାଁ କେବେ କେବେ ପାଲା ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା, ହେଲେ ସେଥିରେ ଯାହା ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ନିଜର ପେଶା ଆଉ ନିଶାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲି ଆସିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ବୁଲି ବୁଲି ଝାଲମୁଢ଼ି ବିକିଲେ, ତାପରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆସି ବିକିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ରୋଜଗାର ସିନା ଦେଉଛି ଝାଲମୁଢ଼ି, ହେଲେ ନିଜ ପ୍ରିୟ ଲୋକକଳାକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 5 ଫୁଟ ଲମ୍ବା 3-4 ଫୁଟ ଓସାରର ଭଡ଼ା ଘରେ ପରିବାର ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ଅଭ୍ୟାସ କିନ୍ତୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ପାଲାକୁ ଆପଣାର କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସମୟ ସହିତ ଲୋକକଳାର ଆଦର କମିଛି, ତେଣୁ ଏଭଳି ଅନେକ କଳାକାର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। କାହାର ନଜର ପଡ଼ିବ କି ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ଭଳି ସଚ୍ଚା କଳାକାରଙ୍କ ଉପରେ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ବୋଲ।